राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भाजपा जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यालयों की श्रृंखला में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी पीछे नहीं रहे और आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का लोकार्पण करते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ताओं को यह समर्पित कर रहा हूँ। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि देश में 500 कार्यालय निर्मित हो गए हैं। आज के कार्यालय के उद्घाटन समारोह में सभी वरिष्ठ मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण और हमारे विभिन्न कार्यालयों से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले तो मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मेरा आदर पूर्वक बहुत बहुत नमस्कार। आज बहुत ही खुशी का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपनी यात्रा जनसंघ के दिनों से शुरू करके दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन करके हम सबके बीच में उभरी है, एक लंबी छलांग ली है और उस लंबी छलांग में कई आयामों में भारतीय जनता पार्टी काम करते हुए आगे बढ़ी है और इतिहास के पन्नों में यह दर्ज होगा कि कार्यालयों की श्रृंखला में भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पीछे नहीं रहा है। और आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का श्री गणेश करके समर्पित करते हुए, लोकार्पण करते हुए तेलंगाना के कार्यकर्ताओं को और आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ताओं को ये कार्यालय समर्पित करता हूँ और इसके लिए आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के अंदर एक विचार लिया था और वो विचार ये था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यालय नहीं होने चाहिए, अपने ही कार्यालयों की रचना नहीं होनी चाहिए। और उस समय अमित शाह जी ने एक भव्य कार्यक्रम बनाकर, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने तय किया था कि हम कार्यालयों की रचना करेंगे और लगभग लक्ष्य था 887 कार्यालय देश के अंदर बनाएंगे और साथ ही साथ सभी प्रदेश हेडक्वार्टर्स पर अपना एक भव्य कार्यालय बनाएंगे। आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि आपके कार्यालयों का उद्घाटन करने के साथ साथ देश भर में 500 कार्यालय बन करके निर्मित हो गए हैं। आपको जानकर के ये भी खुशी होगी, 108 कार्यालयों की रचना की जा रही है, 108 कार्यालय बन रहे हैं और 123 कार्यालयों के कागजात भी तैयार हो गए हैं और अब वहां पर भी बहुत जल्दी से काम शुरू होगा। तो मैं आज आप सबसे यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी हर जिले में एक भव्य कार्यालय भारतीय जनता पार्टी बनाने का लक्ष्य लेकर के चली है। 500 कार्यालय बन गए, 108 कार्यालयों का काम चला है, 123 कार्यालयों के लिए जमीन ले ली गई है, यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, आज मुझे तेलंगाना के 5 कार्यालयों का उद्घाटन करने का मौका मिला, उसी तरीके से 2 कार्यालयों का उद्घाटन करने का मौका मुझे आंध्र प्रदेश में मिला। मित्रों, ये कार्यालय नहीं है, दीज आर नॉट बीजेपी ऑफिसेस, दीज आर संस्कार केंद्र ऑफ भारतीय जनता पार्टी। आज मुझे खुशी है कि हमारे पास कार्यकर्ता भी है, हमारी कार्यकारिणी भी बनी हुई है, हमारे पास कार्यक्रम भी है, हमारी कार्यकारिणी के माध्यम से हम काम भी करते हैं और उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है। इस बात के लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।